वेलकम स्टूडेंट्स, वंस अगेन लेट्स बिगिन योर चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। दिस चैप्टर हैज थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज ए बेकर फ्रॉम गोवा, रिटन बाय लूसियो रोड्रिगोज। सेकेंड पार्ट इज कुर्क, रिटन बाय लोकेश एब्रोल। एंड थर्ड पार्ट इज टी फ्रॉम असम, रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। In these three sections, I will take you to three famous tourist places in India. A baker from Goa, I will take you to Goa. In Coorg, near Mysore in Karnataka. And in the last part, I will take you to Assam, among ग्रीन प्लेट टी प्लांटेशन। नाउ ए बेकर फ्रॉम गोवा। एक्चुअली गोवा वॉज ए कलोनी ऑफ पुर्तगीज। सिंस इंडिपेंडेंस फ्रॉम पुर्तगीज, गोवा रिमेन्ड ए कलोनी ऑफ पुर्तगाल, एंड एल्डर्स लिविंग इन पुर्तगाल आर नोस्टैल्जिक अबाउट देयर ओल्ड पुर्तगी डेज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। ए बेकर फ्रॉम गोवा के अंदर हम पुर्तगाल शासन के समय के दिनों के बारे में पढ़ेंगे, जो गोवा के लोग हैं वो पुर्तगाल की कलोनी थे, और उस वक्त गोवा के लोगों को क्या महसूस होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्चुअली बेकिंग वॉज ए वेरी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन ड्यूरिंग पुर्तगी डेज इन गोवा। बेकिंग का काम है वो बड़ा ही फेमस था गोवा के अंदर पुर्तगाल के शासनकाल के समय। There were different bakers in Goa during Portuguese days, and people are very nostalgic about their old Portuguese days. Okay, a baker in Goa is very famous. Okay, among children during that time, he would come twice in a day, bringing breads, sweet balls, sandwiches. Okay. And he used to come twice, once early in the morning and when he was on his selling round, and once in the evening, okay, after emptying his basket. Okay, he used to keep a huge basket, and children used to gather around his basket in order to buy some loaves of breads or sandwiches, okay, or sweet ball, okay. He used to wear a very peculiar dress known as kabhai, and it was a single piece long frock reaching down to the knees. तो पुर्तगीज के समय के अंदर गोवा के अंदर बेकिंग का काम, जो बेकर थे वो बड़े ही फेमस थे, और बेकर्स को बहुत लोग याद करते हैं अब भी वहां पर। वो बेकर सुबह सुबह एक बार तो सेलिंग राउंड पर अपने ब्रेड सेल करने के लिए आता था। ब्रेड है, स्वीट बोल है, बोहिनलाज हैं, ओके, केक्स हैं, और एक बार शाम के समय आता था जब उसकी वापस घर जा रहा होता था और उसकी जो टोकरी है वो खाली होने के आसपास होती थी। एक्चुअली मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस इन दोज डेज विदाउट ए स्वीट बोल। ओके, केक्स बोहिनलाज वर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और कोई भी जो त्यौहार होता था, क्रिसमस या दूसरा फेस्टिवल, उसके ऊपर जो केक्स हैं और जो बोहिनलाज हैं वो बनते ही बनते थे। ओके, ए बेकर यूज टू कलेक्ट हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ एंड मंथली रिकॉर्ड्स। ओके, मंथली बिल्स वर रिटन विद ए पेंसिल ऑन द वॉल ऑफ द हाउस। ओके, द बेकिंग वॉज ए वेरी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। ओके, बेकिंग है उस वक्त बड़ा ही
नफे का सौदा होता था, धंधा होता था। एंड द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, ओके, देवर नेवर हंग्री इन दोज डेज, ओके, एंड देयर प्लम्प फिजिक वॉज ए प्रूफ ऑफ इट, ए टेस्टिमनी ऑफ इट। ओके, तो ये आपका चैप्टर है, ए बेकर फ्रॉम गोवा। ओके, कुछ बच्चों के तो मुंह में पानी जरूर आ गया होगा। केक्स, मोहनलाल्स और सैंडविच और ब्रेड का नाम सुनते ही। ओके, दिस इज ए बेकर फ्रॉम गोवा। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल एंजॉय द चैप्टर व्हेन आई विल रीड इट वर्ड बाय वर्ड। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।